हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी अभी अंश टेक्सटाइल लेके आ रही है अपना जो आईपीओ। यहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टडी करने के लिए, और क्यों नहीं वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, लमसम अमाउंट हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2005 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है 100% कॉटन यार्ड इंक्लूडिंग कॉम्बेड एंड कार्डेड कॉटन यार्ड इन वेरियस काउंट। कंपनी ऑपरेट करती है इन बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है वैरायटी ऑफ यार्ड एंड फैब्रिक्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी का 281 एम्प्लॉइज होने वाला है इन वेरियस डिपार्टमेंट। काम वाइज बात करते हैं, काम अच्छा है बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और काफी सारे आईपीओ हमें इस सेगमेंट के देखने को मिल भी चुके हैं। अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 20 सितंबर को, क्लोज होगा 24 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 25 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 26 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 27 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी ₹10 पर शेयर की, प्राइस होगा ₹62 पर शेयर का, 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, टोटल इशू साइज है 26 करोड़ का जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू NSE के SME पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, HNI में भी 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी ₹1,24,000 की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी ₹2,48,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप जहां पर इनकी लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हो, प्री इशू होल्डिंग थी 95.67% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी ऑलमोस्ट 67% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 46 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 65 करोड़ के, एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 72 करोड़ का, 2022 में 120 करोड़ का, 2023 में 121 करोड़ का एंड 2024 में 142 करोड़ का, एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 68 लाख का, 2022 में 1.55 करोड़ का, 2023 में एक मेजर डिप देखने को मिला और 28 लाख के ही रह चुके थे, बट 2024 में एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिला, 3.31 करोड़ के वहां पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, कभी अप्स एंड कभी डाउन, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम बात करते हैं तो ओके ओके ही बोलेंगे। नेटवर्थ की बात करते हैं 15 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के पास 44 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा, हाँ बट ओके ओके फाइनेंशियल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टर्म लोन को रीपेमेंट करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं कंपनी की तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 86.67 करोड़ की, ROE 21% के करीब का अच्छा है, ROC 16% के करीब का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.82 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन एसेट 21% के करीब का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.35 का काफी ज्यादा कम है, EPS प्री IPO 3.39 की, पोस्ट IPO 2.37 की काफी ज्यादा कम है, PE प्री IPO 18 की, पोस्ट IPO 26 की। फंडामेंटली बात करते तो ROE ROC RONW हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल रहा है, तो ओके ओके फंडामेंटल से हमें जहां पर कंपनी के बोल लेंगे। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो वहां पर जिंदल वर्ल्ड वाइड 92 का पी, शांति स्पिनटेक्स 5 का पी, मोनोमय टैक्स इंडिया 23 का पी, यूनाइटेड पॉलीपेप गुजरात 29 का पी। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो ये IPO सस्ता नहीं आ रहा है,
वहां पर उल्टा कंपनी ये आईपीओ महंगा ला रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा और भी ज्यादा इंटरेस्ट कम हो चुका था। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।